ठीक ठाक हैं। लास्ट वाले लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई थी, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग टाइम से प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लिया करें। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन आप लाइव क्लास भी ले लिया करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग अकेडमी स्कूल वगैरह में तो जाते ही हैं, लेकिन इधर पर क्लास ज्वाइन कर लिया करें थोड़ा टाइम से। ठीक है, इधर हम लोगों ने रिविजन स्टार्ट की हुई है ना एक सीक्वेंस से, तो फिर एक भी लेक्चर मिस हो जाएगा तो नेक्स्ट समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग रोज़ का लेक्चर अटेंड कर लिया करें, 5 डेज इन अ वीक क्लास होती है, 8 o'clock टू 9 o'clock। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, तो आप लोग उसको अटेंड ज़रूर किया करें। ठीक है, जो भी बात में कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, टेस्ट में अपलोड कर देती हूँ रोज़, तो वो आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो चेक करती होती हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने किया होता है अटैम्प्ट, अब जो लास्ट वाला था टेस्ट उसको अटैम्प्ट नहीं किया हुआ अभी, तो आप लोग अटैम्प्ट कर लिया करें। ठीक है, तो थोड़े टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें ताकि आप लोगों को सारे लेक्चर की समझ आ जाए। आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो आधा लेक्चर गुजर चुका होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती, तो फिर जो कन्फ्यूजन हो तो साथ साथ क्लियर कर लिया करें। ठीक है, तो चलें हम लोग फिर जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एटमोसफियर वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, कल हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देखे थे और नॉक्स ऑक्स वगैरह देखे थे, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को देखा था। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स देखा था, उसके ऑक्साइड से हम लोग को क्या नुकसान पहुंचता है, ठीक है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था कि ये पोल्यूशन को काज कैसे करते हैं सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी एज अ पोल्यूटेंट ही एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे जो एटमोसफेयर को पोल्यूट ही कर रहे होते हैं, एज अ पोल्यूटेंट ये एक्ट कर रहे होते हैं, तो वही हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो नेचर में पाए जा रहे होते हैं ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, एनओ जो है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर,
ठीक है, हवा के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग की वजह से, क्योंकि हम लोग जो लाइटिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से ही हो रहे हैं। कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल कम, और ये किधर से हो रहे थे? कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जलाने से इंटरनल कम्बस्टन इंजन, इंजन पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज वगैरह में जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उससे धुआं वगैरह निकलता है, तो उधर से ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, ये भी रिलीज हो रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न, जब हम कोल को जलाते हैं उसकी बड़ी जो है अमाउंट को, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द डायरेक्ट कम्बस्टन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम लोग नाइट्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम्बस्टन करते हैं, इस चीज को जलाते हैं, तो क्या होता है, इसको बर्न करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये बनते हैं, खतरनाक है। ठीक है, ये बीमारियां फैलाते हैं इंसानों के अंदर, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एज अ पोल्यूटेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं एटमोसफेयर के अंदर, ठीक है, पोल्यूशन को कॉज करते हैं ये। फिर क्विकली रिएक्ट, ये जो होते हैं कॉज भी ह्यूमन बींग्स की वजह से ही होते हैं, और इनका नुकसान भी ज्यादातर ह्यूमन बींग्स को ही होता है। ठीक है, हाउएवर इट क्विकली रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस। ये आपने बात याद रखी कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द एयर इज नॉर्मली अनरिएक्टिव। ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन जो है वो एटमोसफेयर के अंदर 78% तक पाई जा रही होती है, नॉर्मली इससे हमें कोई भी इश्यू नहीं होता। ठीक है, ये कुछ भी कॉज नहीं कर रही होती, ये टॉक्सिक नहीं होती, अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन जब हम लोग जलाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कोल को, ठीक है, इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उनको बर्न करते हैं, ठीक है, तो कम्बस्टन हो रही होती है, तो उससे फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोल रहे होते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो एटमोसफेयर में चले जाते हैं, तो उधर जाके ये क्या कर रहे होते हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं, ये वाटर के साथ मिल जाते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब नाइट्रिक एसिड, जब रेन होती है तो फिर ये नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ मिलकर जमीन पर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली भी इफेक्ट कर रहे थे ह्यूमन बींग्स को और इनडायरेक्टली भी। ठीक है, नाइट्रोजन इज द एयर इन नॉर्मली अनरिएक्टिव, ये तो वैसे तो अनरिएक्टिव ही होते हैं, वैसे इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एटमोसफेयर में पाई जा रही होती है 78%। एंड हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट, जब इसको टेम्परेचर हम लोग हाई देते हैं, नॉर्मली तो ये जो होते हैं अनरिएक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो जब इसको हाई टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देंगे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे, मतलब इन शॉर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बनाएंगे, जो क्या है हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, तो दीज गैसेज एस्केप इन टू द एयर, ये जो गैसेज हैं ये हवा में चली जाती हैं, दे आर पोल्यूटेंट्स, तो ये एक्ट करती हैं एज अ पोल्यूटेंट। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो फिर क्या करते हैं, ये जब एटमोसफेयर में चली जाती हैं गैसेज, फिर ये वाटर के साथ मिल जाते हैं और एसिड रेन बन जाती है, नाइट्रिक एसिड बनता है, तो वो एसिड रेन क्रिएट करते हैं, तो वो अर्थ पे फॉल होती है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो ये था प्रोसेस कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ दिस गैसेज रिप्रेजेंटेड एज NOx। ठीक है, ये जो मिक्सचर होते हैं इन गैसेज का, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड, इन सबको हम लोग NOx NOx बोल देते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, ये इंटर होते हैं हवा के अंदर थ्रू ऑटोमोबाइल तो एग्जॉस्ट, मतलब यही ये जो हम ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वगैरह, इनके अंदर जब इनके इंजन में ये गैसेज CNG वगैरह फॉसिल फ्यूल जब कंबर्न होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, उनसे ऑक्साइड्स निकलते हैं एग्जॉस्ट, एंड चिमनीज जो होती हैं पावर स्टेशन की, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह की, उधर से भी धुएं के साथ ये निकल रहे होते हैं। इट इरीटेट ब्रीथिंग पैसेज, ठीक है, ये इरीटेट कर रहे होते हैं ब्रीथिंग पैसेज, मतलब कि ये हमारे सांस लेने के अमल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। दीज ऑक्साइड्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड कंबाइनिंग विद वाटर वेपर इन एयर, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, फिर वो वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं, तो एसिड रेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जब एसिड रेन हो रही होती है तो बिल्डिंग्स वगैरह को, क्रॉप्स को, अर्थ को, हर जगह को, मतलब ये जो होती है जानवर रहते हैं समुद्रों के अंदर, ठीक है, उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वाटर उधर भी जा रहा होता है, तो उनको भी सांस लेने में इशू हो जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। नाइट्रिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसिड रेन का, मतलब एसिड रेन के अंदर ये मौजूद होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं,
ऐसे ट्रेंड से फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट आता है, तो ये बहुत ईजी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं. एज यू हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड, उसमें सल्फर के ऑक्साइड भी आ जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आ जाते हैं, तो ये हवा में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर, रेन वाटर जो है वो कन्वर्ट करता है SO2 को इंटू H2SO4. ठीक है, जब SO2 जो है सल्फर के ऑक्साइड जो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बना देंगे, और जो NOx है नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या तो HNO2 बना देंगे, HNO3 बना देंगे. ठीक है, नॉर्मल रेन एसिडिक, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो वीकली एसिडिक होता है, वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता जो नॉर्मल रेन वाटर होता है. ठीक है, वो वीकली एसिडिक होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर होती है वो उसके अंदर मिक्स होती है, इसलिए वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, फिर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, इट्स पीएच इज अबाउट 5.6 to 6. ठीक है, उसकी पीएच जो है 5.6 to 6 होती है, हमें पता है कि 7 से कम, जितनी ज्यादा कम होगी पीएच उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो अगर 6 हो या 5.6 हो तो ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन अगर पीएच 2 या 3 तक हो जाए तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ऐड हो जाएगा ना, तो तब जो है पीएच वो बहुत कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि वाटर जो है एसिड रेन जो है रेन वाटर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो वो जो है हमारे लिए खतरनाक है. बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स, जब रेन वाटर जो है वो डिजॉल्व करती है एयर पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर, वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है. ठीक है, और उसकी पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाती है 4 से, मतलब 2-3 तक पहुंच जाती है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होती है. दस एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग एसिड एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर. एसिड रेन जो होती है वो कैसे बनती है, ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स, वो अपने अंदर एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स को डिजॉल्व कर लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को. ठीक है, रेन वाटर उसको कर लेता है अपने अंदर डिजॉल्व. ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब रेन वाटर इन ऑक्साइड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है तो वो रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, वो जो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एसिड जो है वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर ये डैमेज करते हैं हमारे सॉइल को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, एक्वाटिक लाइफ को, हर जगह ये जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एसिड जो है वो इफेक्ट तो करेगा ही. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा टेबल में थोड़ा ये डायग्राम जो है इसको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि ये जब ऑक्साइड्स वगैरह चिमनीज वगैरह से निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल से ये ऑक्साइड निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह से निकल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एटमोसफेयर में जा रहे हैं. ठीक है, प्लूटन गैसेस ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंस, दे रिएक्ट विद वाटर, फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे एटमोसफेयर में जाकर, तो वो एसिड बना देंगे, तो वो रेन वाटर में ठीक है ऐड हो जाएंगे, तो रेन वाटर जो है वो रेन जो है वो एसिडिक रेन हो जाएगी. ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, एसिडिक रेन जब फॉल करेगी तो क्या होगा, वो इधर जमीन के ऊपर गिरेगी, पौधों पर गिरेगी, तो जिधर जिधर भी वो गिरेगी, बिल्डिंग वगैरह पे, तो उधर इफेक्ट करेगी. ठीक है, तो फिर वो अगर रेन वाटर तो जाता ही रिवर वगैरह में है, तो उधर जाएगा तो एक्वाटिक लाइफ को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा. ठीक है, उनकी भी डेथ हो सकती है. ठीक है, एसिड रेन के तो कल हम ओजोन के इफेक्ट देखेंगे, ओजोन को डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओजोन डिप्लीशन और उसके इफेक्ट्स को हम लोग कल देखेंगे, फिर डिटेल में टॉपिक है तो उसको हम लोग डिटेल में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. तो आज हम लोग इफेक्ट्स देख रहे हैं उसके वाटर एसिड रेन, एसिड रेन हम देख चुके हैं, और अब हम लोग इसके इफेक्ट्स देखते हैं. इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या होते हैं. एसिड रेन ऑन सॉयल, जब वो सॉइल के ऊपर गिरती है, रॉक्स, लीच्स, हैवी मेटल. ठीक है, एसिड रेन जब सॉइल, रॉक्स वगैरह के ऊपर गिरती है तो हैवी मेटल से विद इट एंड डिस्चार्ज दीज मेटल्स इनटू रिवर. ठीक है, जो जब एसिड रेन जब सॉइल के ऊपर गिरती है, रॉक्स के ऊपर गिरती है, तो ये लीचिस चल हो जाती हैवी मेटल्स वगैरह के अंदर भी, विद इट एंड डिस्चार्ज दीज मेटल इनटू रिवर. तो फिर ये जो इन मेटल्स को क्या करती है, रिवर जब ये मतलब सॉइल रॉक्स वगैरह के ऊपर गिरती है तो ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है हैवी मेटल्स वगैरह को, तो फिर उसको अपने साथ ही ले जाती है और डिस्चार्ज करती है इन मेटल्स को रिवर्स के अंदर एंड लेक्स के अंदर. दिस वाटर इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स, फिर ये जो वाटर होता है उसको यूज कर रहे होते हैं ह्यूमन बींग्स. ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, तो हम लोग जो वाटर वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी चली जाती है. ठीक है, दीज
मेटल्स अकोमोलेट ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं जो मेटल्स होती हैं, अगर वो वाटर में होंगी तो जब ह्यूमन बींग्स ड्रिंक करेंगे वाटर को, जब वो पीते हैं तो क्या होगा, तो ये मेटल्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसका बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो लेक्स में होती है, ऑल्सो सफर बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ जो होती है प्रेजेंट इन लेक्स वो भी इसमें मतलब मुबतला हो जाती है, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल, अगर वाटर की कंसनट्रेशन लेक्स वगैरह में वाटर के अंदर मेटल्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो ये जब फिशीज वगैरह या दूसरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनहेल करेंगे या वाटर को अपने अंदर लेकर जाएंगे, तो मेटल्स जो हैं उनके अंदर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उनको भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, जो एल्यूमिनियम आयन्स हैं जो इनके क्लॉग, जब इनके ये जो जमा हो जाती है अकोमोलेशन जो है हो जाती है फिश की गिल्स के अंदर, ठीक है, तो फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिशेज जो होती हैं वो गिल्स से ही सांस ले रही होती है, उनके पास वो नहीं होते, लंग्स नहीं होते, ठीक है, इट कॉजेज सफोकेशन अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश, ठीक है, जब उनके लंग्स जो हैं सॉरी गिल्स के अंदर ये अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है मेटल, तो फिर क्या होगा, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो सफोकेशन वो करेंगी, तो उससे फिर क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी फिशेज की, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इस ड्रेन का, ठीक है। इफ द ड्रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, ठीक है, इसी ड्रेन जो है वो अटैक कर रही होती है कैल्शियम कार्बोनेट जो मौजूद होता है मार्बल वगैरह पे, लाइमस्टोन पे, जब बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, तो जब उनके ऊपर ये जो इसी ड्रेन हो रही होती है तो उसके ऊपर मार्बल लाइमस्टोन वगैरह लगा होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा तेज से इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड एरोडिक डे बाय डे, ठीक है, वो फिर जो है वो सही नहीं रहती, उस तरह की नहीं रहती बिल्डिंग जैसे पहले थी, ठीक है, वो उनके ऊपर से पेंट्स वगैरह उतर जाते हैं, तो वो रफ उनका हो जाती है सरफेस, ठीक है, इस एसिड की वजह से, एसिड का तो आप लोगों को पता ही है कि ये कितना खतरनाक होता है। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये सॉइल पे जब गिरती है एसिड रेन, तो क्या करती है, ये सॉइल की भी एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है, सॉइल भी एसिडिक हो जाती है, तो जो क्रॉप्स हैं प्लांट्स हैं ना वो फिर ग्रो नहीं कर पा रहे होते प्रॉपरली उस सॉइल के ऊपर, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी कम हो जाता है इसकी वजह से। इट आल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल, जैसे इंसानों में और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये जो मेटल्स हो रही होती है इफेक्ट कर रही होती है उनको बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसी तरह ये जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं इंक्रीज जब होती है सॉइल के अंदर, तो फिर उधर भी पॉइजन कॉज कर रही होती है वेजिटेशन के लिए, वो पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। इवन ओल्ड ट्रीज आर इफेक्टेड, जो ओल्ड ट्रीज भी होते हैं ना उनको भी इफेक्ट कर रही होती है एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, जब सॉइल जो है वो एसिडिटी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल की, तो फिर वो भी इफेक्ट कर रही होती है सॉइल ओल्ड प्लांट्स को भी, देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है इसकी वजह से, तो फिर वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं और इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, प्लांट्स की भी। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव ऑफ ट्रीज, वो डायरेक्टली भी डैमेज कर रही होती है, जब एसिड रेन गिर रही होती है ना डायरेक्टली लीव के ऊपर प्लांट के ऊपर, तो उन लीव्स को भी डैमेज कर रही होती है, ठीक है, उसके भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ, तो फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको उधर ही रोक देती है, तो फिर क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द डैमेज प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, फिर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या कम होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उसके ऊपर। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीजेस रिड्यूसेस एंड अल्टीमेटली दे डाई, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं फिर उनकी कैपेबिलिटी जो होती है कोल्ड वगैरह को रेजिस्ट करने की या डिजीजेस से लड़ने की, तो वो भी कम हो जाती है, तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स थे इसके एसिड रेन के। ओजोन की डिप्लीशन और उसके जो इफेक्ट्स हैं ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज आप लोगों में से कोई भी क्लास अटेंड करने नहीं आया अभी तक, देखने 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और आपका लेक्चर जो है वो भी मैं डिलीवर कर चुकी हूँ, तो आप लोग कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा, फिर आप लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर आप लेक्चर ही नहीं ले रहे, तो अब आप लोग ले रहे हैं लेक्चर तो आप लोग रोज़ का लेक्चर लिया करें, ठीक है। तो
कल इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो जो मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करनी है वो लास्ट वाला टेस्ट जो है वो भी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने लेक्चर भी पीछे वाले जो एक दो है ना वो आप लोगों ने नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं सुने और आप लोग क्लास में भी नहीं आ रहे। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग क्लास में आ जाए करें एटलीस्ट, तो टेस्ट भी कर लिया करें अटैम्प्ट, तो इसमें आपका ही फायदा है। अगर आपके गलत भी हो जाएंगे एमसीक्यूज तो एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा ना उसका सही वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आज भी मैं टेस्ट आपको अपलोड करूँगी। हम तो पहले लेक्चर को देख लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या क्या देखा, तो उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज अपलोड कर देती हूँ, तो वो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो एक ही टॉपिक रहता है वो हम लोग उससे अलग कवर कर लेंगे, तो फिर भी चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या देखा है। आज हम लोगों ने सल्फर कंपाउंड्स देखे थे। सल्फर कंपाउंड्स जो होते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, ये हमने कल कार्बन के ऑक्साइड्स देखे थे और सल्फर के ऑक्साइड्स जो थे वो हमने कल देखे थे, और आज हम लोगों ने क्या देखा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड कल हम लोगों ने देख लिए, उसके इफेक्ट देख लिए थे। नाइट्रोजन कंपाउंड रहते थे जिसको नोक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये चिमनीज वगैरह से निकलते हैं और ऑटोमोबाइल से, तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं डायरेक्टली, तो उधर जाके ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स जो हैं उधर जाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जो ट्राईऑक्साइड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उधर एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। HNO3 जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पौधों के लिए। ठीक है, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है, जब एसिड फ्रेन हो रही होती है, जब ये फॉल होती है एसिड फ्रेन, तो क्या होता है फिर जब ये फॉल होती है तो ये डैमेज कर देती है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स जो डायरेक्टली भी अफेक्ट कर रहे होते हैं हम लोगों के ऊपर, सांस लेने के अमल में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो जब ये ऑक्साइड्स डायरेक्टली हम लोगों के पास आते हैं तो मतलब हम लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमें सांस का मसला हो सकता है। ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं हमारे ख़तरनाक होते हैं जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। तो और जब ये एटमोसफेयर में चले जाते हैं जाकर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो एसिडेन का हिस्सा बन जाते हैं एज अ नाइट्रिक एसिड, तो फिर नाइट्रिक एसिड तो फिर वो एसिड है, तो वो जब एसिड रेन फॉल होती है तो वो एसिडिटी को कम कर देता है, सॉइल की, सॉइल को भी एसिडिक कर देता है, उसके पीएच को कम कर देता है, और ये पौधों पे भी इफेक्ट कर रहा होता है, एनिमल्स पे भी, एक्वाटिक लाइफ पे भी, ठीक है, सॉइल के वगैरह पे, और उसमें क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाती है प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, ठीक है, इंसानों में, तो लंग्स वगैरह में भी ये एक्युमुलेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, डेथ हो जाती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, तो एसिड में जो भी आ रहे होते हैं, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है,
और ये जो नाइट्री एसिड है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ऑक्साइड जो है प्रोडक्शन कम से कम हो, ठीक है। ये ख़तरनाक है तो ये डायरेक्ट जब एटमोसफेयर में जाते हैं तो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो एसिड बना देते हैं, ठीक है। इनको इनकी जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है उनमें कन्वर्ट करना चाहिए और फिर इनको एटमोसफेयर में भेजना चाहिए ताकि ये रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो या कुछ ना पता चलो आप उससे पूछ सकते हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रेन और इसके इफेक्ट्स जो हैं ये ज़रूर आते हैं, एक आज शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, लॉन्ग ये मस्ट आता है हमेशा। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही आप लोग ड्रॉ करें, आप लोग ये ड्रॉ ना भी करें लेकिन इसके साथ ये लिख लें पॉइंट्स और इसको ना फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएं और फिर उसको अच्छी तरह से इलैबोरेट करें तो पेपर में इसको ज़रूर बनाइएगा, तो उसके भी मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का आ जाता होता है। तो अगर आपको कोई चैप्टर क्लियर हुआ हो, कुछ ना समझ आई हो या इस पूरे चैप्टर में से कुछ मसला हो तो आप मंडे को मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं टेस्ट अपलोड करूँगी, उसको आप लोग अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करें कि लाइव लेक्चर में आ जाया करें, 20-25 मिनट का लेक्चर में आ जाया करें पहले में, क्योंकि उसमें हम लोग मेन जो पढ़ रहे होते हैं उसी में होता है। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है।